सो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. टाइम हाफ एन आवर मेरे पास अभी बचा है. तो आज सबसे पहले मेहंदी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, और मैं डायरेक्टली ऐसे मेहंदी नहीं सिखा सकती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से हैं, उनको कौन बनाना भी नहीं आता है, और मेहंदी क्या होती है, पाउडर क्या होता है, डोंट एनी आइडिया. सो मैं अभी सबसे पहले हीना पेस्ट बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी कि हीना पेस्ट कैसे बनाया जाता है. सो जस्ट मिनट में मेरा कैमरा सेट कर लूँ. सो सबसे पहले हीना पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए मैंने लिया है एयरटाइट कंटेनर. राइट वे ऑफ मेहंदी पेस्ट, मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे लोगों को मेहंदी पेस्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है, और जब तक आपका हीना पेस्ट अच्छा नहीं है, आपका राइट कोन नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी मेहंदी बना लो उसका लुक नहीं आने वाला है. सो हीना पेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्मूथ हीना पेस्ट बन रहा है कि नहीं. किसी का बहुत टाइट होता है, किसी का बहुत रफ होता है, डिपेंड ऑन पाउडर और डिपेंड ऑन यू कि आप बनाते कैसे हो. सो सबसे पहले मैंने एयरटाइट कंटेनर लिया है. स्पून आपके घर पे जो भी स्पून अवेलेबल है आप वो स्पून यूज़ कर सकते हो. हाँ, मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ. ओके, देखो मैंने जो ये स्पून लिया है इसका बहुत अच्छा जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है. इसकी जो पीछे से ये जो विथ देख रहे हो बहुत काफ़ी अच्छी है. और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, स्पून ऐसा यूज़ करना है कि जब आप हीना पेस्ट बनाते हो, जब उसको अच्छे से आप मिक्स करते हो, तो जो स्पून की जो डंडी होती है वो दबनी नहीं चाहिए. लाइक कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि स्पून ही यूज़ करना है. आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल टूल्स आ गए हैं, सो बहुत सारे टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो. हीना पाउडर की जो क्वांटिटी है, लाइक जो परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए. सबकी क्या प्रॉब्लम होती है, आप हीना पाउडर कुछ इस तरीके से लेते हो तो इसमें मेजरिंग आपका थोड़ा रॉन्ग हो सकता है. मैं आज स्पून से बता रही हूँ, कुछ लोग वेट करके या ऐसा भी कुछ यूज़ करते हैं, तो ऐसा भी कुछ करना है तो मैं बता दूँगी कि वो कैसे यूज़ करना है. तो मेरा जो मेज़रमेंट रहता है वो स्पून से ही रहता है, तो मैं स्पून की क्वांटिटी हमेशा इतनी लेती हूँ, पूरा स्पून भर के आप देख सकते हो. और आज जो मैंने पाउडर यूज़ किया है ये है प्रैक्टिस पाउडर डबल फिल्टर. मैं क्योंकि पेपर वर्क में मुझे इतना हाई पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट में दो से तीन टाइप के पाउडर अवेलेबल होते हैं. सबसे पहले पाउडर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको. डबल फिल्टर पाउडर होता है, ट्रिपल फिल्टर होता है, एक जो होता है एक्यू प्लस ऑयल मिक्स पाउडर, ऑयल रिफाइनिंग पाउडर होता है. सो आपको कोई बोल रहे हैं कि 7 फिल्टर पाउडर, 5 फिल्टर पाउडर, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में 9 ईयर्स से हूँ और मेरे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो मैंने बहुत सारी बात की है, उनसे पूछा भी है, तो उन्होंने बोला मैम ऐसा कोई पाउडर नहीं होता है 5 फिल्टर 7 फिल्टर, वो उनका कोड रहता है कि उनको किस तरीके से सेल करना है. सो प्लीज़ आपको कोई ऐसा कुछ बोलता है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ऐसा कोई पाउडर नहीं होता है. सो ये मैं जस्ट डबल फिल्टर हीना पाउडर ले रही हूँ. और पाउडर आपके नियर बाय स्टोर पे जहाँ पे भी अवेलेबल हो आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो. अगर पाउडर रफ है या उसमें कचरा आता है तो आप पतली सिफोन के कपड़े से या कॉटन के कपड़े से आप उसको छान के यूज़ कर सकते हो. बट आप अच्छी क्वालिटी का पाउडर यूज़ करोगे तो काम करने में मज़ा आएगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. तो मेरा मानना यही है कि आप बेस्ट से बेस्ट पाउडर यूज़ करो. तो मैंने 1 स्पून पाउडर लिया है, फिर 2 स्पून पाउडर. सेकंड जो शुगर की जो मैं क्वांटिटी यूज करूंगी 1/2 स्पून,
जिस स्पून से मैंने पाउडर लिया है उसी स्पून से हाफ स्पून में शुगर ऐड करूँगी। आपके वहाँ पे जो भी अवेलेबल है आप शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप शुगर के जो स्मॉल दाने जो होते हैं वो स्मॉल दाने यूज़ कर सकते हो, बड़े हैं बड़े यूज़ कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा आप बिग साइज़ यूज़ करते हो तो क्वांटिटी इसकी हाफ रहेगी, इससे हाफ। तो अभी ये मैं जो शुगर यूज़ कर रही हूँ उसका उसके जो दाने हैं वो मीडियम है, तो मैं हाफ स्पून ही यूज़ करूँगी। आप देख सकते हो सिर्फ हाफ हाफ स्पून शुगर। जिन लोगों को मेहंदी पेस्ट बनाना आता है फिर भी प्लीज़ आप बोरिंग मत फील करो, आप देख लो, हो सकता है आप कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ सीख ही जाओ। शुगर मैंने ऐड कर दी। अभी वाटर 1 स्पून 2 स्पून। आपको कभी भी हिना पेस्ट जब बनाना है तो एक साथ वाटर ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही वाटर ऐड करना है। राइट साइड से, अभी कोई लेफ्टी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, राइट है तो राइट डायरेक्शन में, तो मैं पहले राइट डायरेक्शन में ही उसको धीरे धीरे घुमा रही हूँ। मैंने अभी 2 स्पून वाटर ऐड किया है। वन स्पून थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ही आपको वाटर ऐड करना है। और एक चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हिना पेस्ट बनाओ जो उस जो पाउडर है जो पानी का मिक्सचर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, जो पेस्ट है वो ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, एकदम टाइट पेस्ट नहीं यूज़ होता है। मैंने अभी टोटल 3 स्पून ही पानी ऐड किया है, 4 स्पून 2 स्पून हिना पाउडर लिया है, हाफ स्पून मैंने शुगर ली है, देन फाइनल मैंने 4 स्पून इसमें वाटर ऐड किया है। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम हिना पेस्ट में ही होती है, मैम हिना पेस्ट स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है, फिर ड्राई हो जाता है, तो उसका एक ही रीज़न है कि आप अच्छे से बनाते नहीं हो, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा या कम, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो मैंने देखो अभी ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, मैंने लूज़ ही रखा है। अब जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पे ही थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, उसको अच्छे से फेंटना है। जितना हो कहीं पे भी दाने हैं या कोई लम्स है वो अगर आपको दिख रहे तो आप पहले से ही उसको अच्छे से फेंट लो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी मैं कोर्स स्टार्ट कर देती मैं बता देती आप लोगों को, बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, कौन सही नहीं होता है, पेस्ट सही नहीं होता है, सो दैट इज़ मेन रीज़न ऑफ हिना पेस्ट। मैं बहुत अच्छे से उसको 10-15 मिनट देके मस्त स्मूथ करती हूँ। ताकि बाद में आपको हार्ड वर्क ना करना पड़े। सो ऐसा करके देखो ये ज़्यादा मैंने टाइट नहीं रखा है, थोड़ा सा लूज ही रखा है। अच्छा पेस्ट कब होगा? जब आप उसको अच्छे से मिक्स करते हो, और डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम के लिए रेस्ट के लिए उसको छोड़ते हो। तो ऐसा करने के बाद इसको आपको रेस्ट के लिए एटलीस्ट 12-24 आवर आपको छोड़ना है।
इफ अगर आपको हैंड पे मेहंदी नहीं लगानी है तो आप 2 hours भी भिगो सकते हो, नो इशू। बट अगर एकदम परफेक्ट और स्मूथ पेस्ट चाहिए तो मैं एक ही चीज़ बताऊंगी कि आप उसको एटलीस्ट 24 hours अच्छे से भिगो। अब मेन चीज़ कि सब लोग बहुत उसमें 2-4 चम्मच पानी डाल देते हैं बहुत भर भर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारा पानी आपको नहीं रखना है, जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की उतना ही पानी जाना चाहिए। बिकॉज पहले से मैंने पेस्ट थोड़ा लूज़ रखा है, ओनली मैं 1 spoon पानी ही ऐड कर रही हूँ। सिर्फ ऐसा करके उसको एयरटाइट करके आपको 24 या 12 hours के लिए आपको छोड़ देना है। अब मैंने ऑलरेडी 24 hour पहले मेहंदी भिगो के रखी थी, उसका स्टेन मैं आपको दिखाती हूँ, वो कुछ ऐसा है। देखो एकदम रेडिश, मैंने 1 spoon इसमें वाटर ऐड किया था, 1 spoon का वाटर सिर्फ और सिर्फ 1/2 spoon जितना ही रहा है। सो ये जो मेहंदी आप देख रहे हो ये 24 hours मैंने पहले भिगो के रखी थी, तब जाके उसका स्टेन ऐसा है और वो पानी जो है वो पूरा मेहंदी पेस्ट में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग एक गलती एक मिस्टेक करते होंगे कि बहुत सारा पानी डाल देते हैं, पानी डालने के बाद भिगोने के बाद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा निकाल लेते हैं फिर मिक्स करते हैं। तो देखो जो भी मेन जो चीज़ है वो इस वाटर में है, मेहंदी का जो चिकनापन होता है जो मेहंदी की चिकनाहट होती है वो इस पानी के अंदर है। सो आपको पानी जितना चाहिए आप पानी उतना ही डालो, ये पानी को वेस्ट नहीं करना है, इस पानी को वापस निकालना नहीं है। तो मैं इसी वाटर के साथ मिक्स करूँगी, किसी को भी मेरे साथ लाइव वीडियो में कनेक्ट होना है या कुछ बात करनी है या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे एक दिन पहले कमेंट सेक्शन में ना बोले, आप मुझे मैसेज में मैसेज करके या मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे बोल सकते हो। तो नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे कि क्लास से 10 मिनट पहले हम क्लास ख़त्म करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको सॉल्व करूँ, या आपके जो भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको मुझसे बात करनी है या आपका जो भी है डाउट तो आप मुझे बोल सकते हो, बट आप मुझे मैसेज प्लीज़, मैं अभी भी बोलती हूँ, आप मैसेज करके परेशान मत करना कि मैम आपने आज ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। आप सिर्फ 15 days वेट करो, मैं क्या करवाने वाली हूँ उसके लिए आपको लाइव सेशन देखना होगा। सो ये आफ्टर 24 hours के बाद का पेस्ट है, आप देख सकते हो कि इतना ही स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा ये चिकनी है, बहुत ही फाइन देखो दिख रहा है। सो पानी के साथ मैंने उसको आराम आराम से पहले मिक्स किया है पेस्ट को, अब वापस से मैं धीरे धीरे करके वाटर ऐड करूँगी, एक साथ नहीं करना है। 1/2 spoon मैंने वाटर ऐड किया है, आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट है।
हाफ स्पून ऐड किया। उसके बाद मैं वापस से पेस्ट को स्पून में लेके ड्रॉप कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी थिक है। आई नीड टू सम वाटर। अगेन मैं 1 स्पून वाटर ऐड कर रही हूँ। एक ही चीज़ मैं बार बार बोलूँगी कि मेहंदी अच्छी बनाने के लिए मेहंदी कोन का परफेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पेस्ट और बेस्ट क्वालिटी का पाउडर, तो मैं हमेशा बोलूँगी ही। अभी भी थोड़ा सा थिक है, तो ऐसा कर करके ही आपको धीरे धीरे करना है। मैं एक एक चीज़ बहुत आराम से करवाऊंगी, मुझे कहीं पे भी ट्रेन नहीं पकड़नी है। मैंने ये पूरा टाइम आप लोगों के लिए ही निकाला है, सो मुझे कोई जल्दी नहीं है। और जिसको जल्दी है और जिसको मेरा वीडियो बहुत बोरिंग लग रहा है या मेरा लाइव सेशन बहुत ऐसा लग रहा है, यू कैन लेफ्ट। आप देख सकते हो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और मैं तो हमेशा बहुत लूज मेहंदी ही यूज़ करती हूँ हैंड में, मैं ज़्यादा थिक पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ। सो मैं हाफ स्पून जितना वाटर और ऐड करूँगी। अगर आपको पेपर पे प्रैक्टिस करनी है तो ये पेस्ट रेडी है, आप उसको कॉर्न में फिल करके यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग विदाउट ऑयल पेपर पे यूज़ करते हैं, बट मेरा जो हमेशा वर्क आप देखते हो वो इतना क्लियरिटी से क्यों दिखता है, उसका एक ही रीज़न है कि मैंने कभी भी विदाउट ऑयल पेस्ट नहीं बनाया है, और विदाउट ऑयल मैंने पेपर वर्क कभी नहीं किया है। मैं मतलब हमेशा जो प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी वर्क करती हूँ, पेपर वर्क भी मेरा हमेशा ऑयल के साथ ही रहता है। मैं हमेशा पेस्ट में ऑयल ऐड करती ही हूँ, विदाउट ऑयल मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये देखो अब परफेक्ट फाइन एंड स्मूथ। अब ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपका पेस्ट उतना रेडी हो चुका है, उतना ऑयल आप ऐड करते हो तो उसके बाद मेहंदी लूज नहीं होनी चाहिए। तो पहले से ही आपको पेस्ट ऐसा रखना है, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा लूज। तो ये मैंने मीडियम रखा है बिकॉज मैं हाफ स्पून जितना इसमें ऑयल ऐड करने वाली हूँ। सेम स्पून से ऑयल बहुत सारे हैं, बट पेपर वर्क कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पेपर पे ऑयल का कोन बनाने से या ऑयल वाला कोन यूज़ करने से उनका वर्क अच्छा नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपके ऑयल में प्रॉब्लम हो, बिकॉज ऑयल के पेपर वर्क के लिए भी अलग ऑयल आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑयल रहते हैं। सो आपके वहाँ पे जो भी ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हो, और एक्सपेरिमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, और नहीं मिले तो मेरे पास है, आप मुझसे ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे ये पेपर वर्क के लिए चाहिए, तो पेपर वर्क के लिए ज़्यादा क्वांटिटी ऑयल की यूज़ नहीं करनी है। 2 स्पून हीना पाउडर लिया है, तो मैं ओनली हाफ स्पून ऑयल ऐड करूंगी। ये मैंने आज मिक्स ऑयल यूज किया है। मिक्स ऑयल आपको कहीं पे भी इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आजकल सब जगह पे मिलता ही है। एक चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे आर्टिस्ट अगर मुझे लाइव वीडियो में देख रहे हैं या जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑयल ऐड करने के बाद आपको कभी भी वाटर ऐड नहीं करना है। उसका एक रीज़न है,
उसका रीज़न ये है कि ऑयल ऐड करने के बाद आफ्टर आप वन स्पून जितना या हाफ स्पून जितना वाटर ऐड करते हो तो जो फिलअप या जो डिजाइंस जो होती है वो क्लियरिटी से नहीं आने वाली है, देन आपके बॉर्डर में ब्रेकआउट्स हो जाएंगे। सो अगर जिनको नॉलेज है उनको पता होगा, और नहीं है तो आप ऐसा जो लोग करते हैं वो आप अभी से स्टॉप कर दो, ये चीज़ मत करो। आपको पेस्ट जैसा रखना है, पहले से लूज़ रखना है आप लूज़ रखो, टाइट रखना है टाइट रखो, बट ऑयल डालने के बाद आपको वाटर ऐड नहीं करना है, ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो ये मेरा परफेक्ट फाइन स्मूथ इनर पेस्ट। अभी इसको फील कैसे करना है, डायरेक्ट आपको स्पून से कोन नहीं बनाना है कभी भी। दो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, फर्स्ट दैट इज़ द कैरेट बैग, आप वो यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं मिलता है तो सबके लिए सिंपल सा ऑप्शन है ये कैरी बैग, नॉर्मल जो कोई भी प्लास्टिक होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, इसका स्मूथ मटेरियल है। बट एकदम आपको पतला मटेरियल नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा थिक रहना चाहिए ताकि मेहंदी आप मेहंदी का पेस्ट उसके अंदर फील करो तो वो फूटे ना। तो कैरी बैग भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं तो यही यूज़ करती हूँ, मुझे तो यही अच्छा लगता है। इसको मैंने फोल्ड किया इस तरीके से, और जो हिना पेस्ट मैंने बनाया था वो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप बोर मत हो, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आएगा तो मेहंदी बनानी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होने वाला है इसके बिना। बहुत सारी साइज़ की ये जो कैरी बैग है ये आती है, आपको जितना पेस्ट भरना है उस हिसाब से आप स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, उससे बड़ी वाली साइज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ी मीडियम साइज़ यूज़ की है, और कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, एज अ प्रोफेशनल वर्क अगर आप कर रहे हो तो ये पोर्शन कभी भी आपका गंदा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन, आपका जितना जहाँ पेस्ट जाना चाहिए वहीं पे, ऐसा नहीं कि यहाँ से भर दिया वहाँ से भर दिया, कहीं पे भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जितना अच्छा आपका ये चीज़ दिखेगा तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप कहीं पे भी इतना गंदा मत करो, हो सके तो। मैंने छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स ली है, ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये रॉन्ग स्टेप है। आपको इसको नीड एंड क्लीन रख के डाउन साइड पुश करना है, देन स्टेप बाय स्टेप प्लेट्स ऐड करनी है। अब यहाँ पे आप रबर बैंड से फोल्ड कर सकते हो, आप थ्रेड से फोल्ड कर सकते हो, बट मेरा ये पोर्शन ज़्यादा है तो मैं डायरेक्ट इसी से फोल्ड कर दूँगी। आप लोगों को जैसा भी लगता है मेरा लाइव सेशन, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्चुअली में मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा है बिकॉज आप लोगों को भी डिस्टर्ब होगा, मुझे भी डिस्टर्ब होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ आपको लगती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ आप मुझे मैसेज में शेयर करके ज़रूर बताओ। तो ये मैंने रेडी कर दिया है, अब हाउ टू मेक परफेक्ट हिना कोन। तो हम सबसे पहले हिना कोन बनाने के लिए ये मैंने ली है सेलोफोन शीट, इसकी जो साइज़ है विथ यहाँ पे मैंने यूज़ की है 6.5,
देन हाइट जो मैंने यूज़ की है वो 5.5। तो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है कि किसी के पास अगर सेलोफोन शीट है और उनको कट करना नहीं आ रहा है कि कैसे कट करना है, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है, मोनिका मेहंदी आर्ट मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे ये शीट का वीडियो देख सकते हो कि इसको कट कैसे करना है। ओके सो सबसे पहले कोन कैसे बनाना है, शीट का 3 फिंगर जितना आगे का हिस्सा मैं हमेशा छोड़ती हूँ, 3 फिंगर जितना। कुछ लोग यहाँ से फोल्ड करते हैं, कुछ यहाँ से करते हैं, कुछ सेंटर में से करते हैं, तो हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि उनका कौन गलत है, उनको कंफर्टेबल है तो वो वैसा यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो यूज़ करती हूँ, जो तरीका यूज़ करती हूँ, मैं 3 फिंगर छोड़ के फोल्ड करती हूँ, 1 फोल्ड। यहाँ का पोर्शन आपको याद रखना है, यहाँ का पोर्शन कभी भी टाइट नहीं पकड़ना है, आप उसको हल्के हाथों से पकड़ो। अगेन फर्स्ट फिंगर से मैं उसको रोल आउट करती हूँ, रोल करने के बाद मैं अपने थंब वाले फिंगर से हल्के हाथों से रोल करती हूँ। कुछ लोगों का रोल नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ से बहुत टाइट पकड़ के रखते हो फिर रोल कर रहे हो तो रोल नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ से आपको थोड़ा सा लूज़ पकड़ना है, देन हल्के हाथों से उसको रोल करना है। अगर सेलोफोन शीट पे फर्स्ट टाइम अगर आप बिगनर हो और आपसे कोन नहीं बन रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले एक नॉर्मल कागज लो और कागज को रोल करो, वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोन अच्छे से बना सकते हो। तो मैंने रोल किया, रोल करने के बाद मेरा जो परफेक्ट कोन होता है, मैं उसकी एक चीज़ नोट हमेशा करती हूँ, यहाँ का वी शेप, ये जो वी शेप है, ऐसा ट्रेंगल वाला शेप, ये वाला जो ट्रेंगल शेप है, ये कभी भी आपका यहाँ पे पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। यू कैन ट्राई कि ये जो पॉइंट है आप हमेशा सेंटर पार्ट में या उससे ऊपर आए तो अच्छी बात है, बट एकदम जो आपकी कोन की जो निब है वहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो कोन आपका रॉन्ग होगा और प्रॉब्लम ये होगी कि जो डिज़ाइन निकलनी चाहिए, जो मटेरियल मेहंदी के निब से निकलना चाहिए, वो बहुत हार्डली निकलेगा। तो मेरा जो वी शेप का जो पॉइंट है वो ज़्यादा निब के पास में भी नहीं और ज़्यादा सेंटर में भी नहीं, उसके बीच में ही रहता है। सो देख सकते हो आप, 3 फिंगर जितना ऊपर है। अब एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, कोन का जो आई थिंक वीडियो में आपको दिख नहीं रहा होगा, होल हमेशा आपको पहले से जितना चाहिए पॉइंटेड आपको उतना ही रखना है। ऐसा नहीं कि पैक कोन बना दिया, सीजर ली, फटाक से कट कर दिया, ये चीज़ नहीं चलती है। इसका भी रीज़न है कि मेहंदी आपकी बराबर नहीं निकलेगी, फाइन लाइन नहीं क्रिएट होगी, फाइन शेप्स नहीं क्रिएट होंगे, तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जितना भी पॉइंट चाहिए, जो भी होल चाहिए, आप पहले से रखो। और आई डोंट यूज़ एनी पिन साइज़, कोई भी पिन साइज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ, मेरा मेजरिंग है, मुझे जितना पॉइंट चाहिए, जितना होल चाहिए, मैं अपने हिसाब से ही रखती हूँ, कोई भी ऐसा पिन यूज़ करके नहीं करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि अगर कोन का होल बड़ा है या स्मॉल है तो उसको कैसे मैनेज करें। अभी आप देख सकते हो कि ये मीडियम है, शायद कैमरे में नहीं दिखे, तो अंदर की साइड आपको फिंगर ऐड करके अपने साइड जो भी आपका डायरेक्शन है कोन को अप साइड आपको खींचना है, उससे कोन का जो पॉइंट है, कोन का जो होल है वो बारीक होगा। इफ़ मैं मेरी फिंगर से आगे की साइड कोन को पुश करती हूँ, और यहाँ पे मैं हल्का सा पकड़ के रखती हूँ और फिर आगे की साइड पुश करूँगी, तो आप देख सकते हो
कोन का होल बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो ये इसकी टेक्निक है, आप आगे की साइड उसको पुश करोगे तो कोन का होल बड़ा होगा, बैक साइड आप उसको खींचते हो तो कोन का पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा बारीक, जैसा आपको चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हो। तो मैं अंदर ऐसे फिंगर ऐड करके फिर ऐसे इजीली अपने साइड कोन को मैं खींचती हूँ। ये मेरा परफेक्ट साइज का हॉल है। इग्नोर माई फिंगर्स, मेरी फिंगर्स बहुत सारी गंदी हो गई है क्योंकि मेहंदी लगी है। एंड टेप कटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, 1 इंच 1/2 इंच, बट मुझे कंफर्टेबल यही लगती है, 1/2 इंच की टेप है, मैं 1/2 इंच ही यूज़ करती हूँ। ये जो वी शेप जो मैंने क्रिएट किया है देख सकते हो, टेप मैंने ऐसे स्टिक की है, देन हल्के हल्के हाथों से मैं रोल करूँगी। रोल करने के बाद परफेक्ट कोन वही होता है जब आप फिंगर से आप उसको इस तरीके से फील करते हो, तो जो टेप का जो पोर्शन है वो कहीं पे भी आपके हैंड में टच नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी टच होता है तो दैट मीन्स कि आपका जो लेयर है, कोन का लेयर, वो कहीं ना कहीं पे छूटा है या टेप अच्छे से स्टिक नहीं हुई है। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जब भी आप कोन के अंदर मेहंदी फील करोगे तो जो कॉइन का निब है वो बंद हो जाएगा। तो एक ही टेप यहाँ पे मैंने स्टिक की है, अगेन छोटी सी टेप में कोन का जो बड़ा वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हो, ये छोटा वाला हिस्सा है, ये बड़ा वाला हिस्सा है, बड़े वाले हिस्से पे मैं ऐसे टेप लेके अंदर की साइड ऐड करके इस तरीके से थंब से स्टिक करती हूँ। इसका एक रीज़न है, जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इसलिए टेप स्टिक करती हूँ बिकॉज जब भी प्रेशर से हम हिना पेस्ट इसके अंदर फील करते हैं तो ये जो हमारा मेन पॉइंट है, इसी पॉइंट से मैंने अपने साइड जब इसको खींचा था तो पॉइंट उसका बारीक हुआ, फिर आगे के साइड मैंने पुश किया तो उसका पॉइंट मोटा हुआ। तो मैं यहाँ पर टेप इसलिए लगाती हूँ जब भी मेहंदी मैं फील करूँ तो इसके ऊपर प्रेशर ना आए और मेरा जो पॉइंट है वो सेफ रहे और पॉइंट बंद ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे हमेशा टेप स्टिक करती हूँ। आप कंफर्टेबल हो तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं भी यूज़ करोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे हिसाब से आप ये यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब कोन के अंदर मेहंदी कैसे फील करनी है, ये जो हमने पाउच बनाया है इसको मैं सीजर से सबसे पहले कट आउट करूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कट आउट नहीं करना है, जितना सेक्शन चाहिए, मैंने 2 फिंगर जितना सेक्शन यहाँ पे कट किया है। देन आगे से मैं मेहंदी को पीछे की साइड पुश करूँगी, देन बहुत छोटा सा यहाँ पे कट किया है, एकदम ज़्यादा भी आपको नहीं कट करना है, बहुत कम। तो इसका जो है पॉइंट देख सकते हो इतना होगा। देन राइट वे ऑफ हिनाकोन, हिनाकोन फील करने की जो एकदम टेक्निक जो है, सबसे पहले कोन को आपको टाइटली ऐसे नहीं थंब से पकड़ना है, मेरी जो टेक्निक है मैं ऐसे करती हूँ, देन हाफ पोर्शन मैं थंब के अंदर रखती हूँ, देन हाफ पोर्शन मेरा थंब से नीचे के साइड में रहता है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आपको अच्छे से ऐड करना है, ध्यान रखना आप जब भी फील करो तो ये वाला पॉइंट पूरा उसके कोन के पॉइंट के अंदर अच्छे से जाना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आप मेहंदी को पुश करोगे, हिना पेस्ट को पुश करोगे और पूरा पेस्ट बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट का आपको खास करके ध्यान रखना है।
और वैसे आप कैरेट बैग यूज़ करते हो तो देखो कैरेट बैग का तो इजीली ये पॉइंट है, तो वो हाफ पोर्शन तक तो वो इजीली चला जाता है, तो आप उसको अच्छे से फील कर सकते हो। बट मुझे ये टेक्निक अच्छी लगती है इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं इस तरीके से हल्के हाथों से पुश करूँगी हिना पेस्ट को, आप देख सकते हो नीचे धीरे धीरे करके हिना पेस्ट इसके अंदर आ गया है, ये फील हो गया है कोन। नीचे से थोड़ा सा मैंने हाफ फिंगर जितना सेक्शन रखा है, हिना पेस्ट को मैं डाउन साइड थोड़ा पुश करूँगी। पुश करने के बाद जो मेरा पूरा हिना पेस्ट है वो पूरे निब तक आ चुका है। अगर आपको लगता है कि बहुत कम है मेहंदी या कोन बहुत स्मॉल लग रहा है तो बाद में हम एक्स्ट्रा फील कर सकते हैं इसके अंदर, हल्का हल्का सा यहाँ से कोन ओपन करना है, देन एकदम स्लोली इसकी जो परफेक्ट मेजरिंग होती है कि कोन के अंदर कितनी मेहंदी होनी चाहिए। आप कुछ लोग ये वाले पॉइंट से बाहर निकाल देते हैं, कुछ इतने में ही ख़त्म कर देते हैं, तो हो सकता है कि उनको कंफर्टेबल हो, बट मेरे हिसाब से ये जो टेक्निक है वो एकदम राइट है। ये जो आपका पॉइंट है इससे बाहर मेहंदी नहीं जानी चाहिए, देन इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट के अंदर अंदर ही मैंने हिना पेस्ट को फील किया है, ना इसको बाहर निकाला है ना उससे मैंने कम फील किया है। इफ़ अगर मैं कम हिना पेस्ट भरती हूँ कोन के अंदर तो कोन मेरा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, एकदम छोटा सा। फिर कोन को राउंड वाले पोर्शन को ऐसे राउंड करके पैक कर देना है। कुछ लोग नहीं करते हैं और कुछ करते हैं, जो नहीं करते हैं वो आप आज वीडियो देख लो, तो आप हमेशा से करना। इसका रीज़न ये है कि आप अगर यहाँ पर टेप स्टिक कर देते हो तो जो अगर एक्स्ट्रा मेहंदी पेस्ट आपने फील किया है तो वो बाहर नहीं आएगा, और नहीं भी किया है तो भी ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो मैं हमेशा करती हूँ। फिर डाउन साइड हल्के हाथों से पेस्ट को पुश कर रही हूँ मैं, देन लेफ्ट साइड टू फोल्ड, राइट साइड टू फोल्ड, वन फोल्ड, टू फोल्ड, ठीक है। टू फोल्ड करके मैं यहाँ पे हमेशा ऐसे टेप स्टिक करती हूँ। हमेशा आपको एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि जब भी आप कोन फील करो या कोन को स्टिक करो तो नीचे हमेशा आप पेपर यूज़ करो, टिश्यू यूज़ करो, आप कोई भी बॉल यूज़ करो, बिकॉज वो एरिया ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैंने वन टेप यहाँ पे स्टिक की है, अगेन फाइनल में वन फोल्ड, ज़्यादा टाइट नहीं ले रही हूँ मैं, एकदम नॉर्मल ही रखती हूँ। हम आप ज़्यादा टाइट अगर फील करते हो तो उसमें क्या होगा, मेहंदी ज़्यादा बाहर आएगी। तो एकदम लाइटली मैंने पकड़ के रखा है कोन को, सेंटर पोर्शन से लेके बैक पोर्शन तक टेप मैंने स्टिक की है। तो कुछ लोग ऐसा कोन यूज़ करते हैं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मेरा मानना ऐसा है कि मेहंदी बहुत अच्छी है तो कोन भी बहुत सुंदर लगना चाहिए, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि आजकल आपको पता है कि आप कहीं पे भी ब्राइडल करते हो या कहीं पे भी जाते हो तो बहुत अच्छी सी आप सुंदर सी प्लेट को रेडी करते हो, कोन बहुत उसमें गंदे दिखेंगे तो फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी। और आजकल सब जगह पे फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, तो जितना हो सके आप कोन को फाइनली फिनिशिंग से बनाओ, मेरा मानना ऐसा है। कोन अच्छे होते हैं तो हमारा मेहंदी बनाने का मन भी अच्छा होता है, कोन ही जब ख़राब है तो हम अंदर से थोड़े नर्वस हो जाते हैं, अंदर से थोड़ी बुरी फीलिंग आती है। सो ऐसा कोन अगर यूज़ करते हो तो दैट इज़ फाइन, बट मुझे नहीं पसंद है तो मैं ऐसा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं ये वाले पोर्शन को अपने साइड
घुमा के यहाँ पे एक टेप स्टिक करती हूँ, देख सकते हो। टेप स्टिक करने के बाद टेप को मैं यहाँ से फोल्ड करती हूँ, उससे यहाँ पे एक वी शेप क्रिएट होता है। अगेन वापस कोन को मैं अपने साइड घुमाऊंगी, देन टेप स्टिक करूंगी, टेप के साथ में ही इसको मैं फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पे भी मेरा एक वी शेप क्रिएट हुआ है, वी एंड वी। ओके, तो ये दोनों जो पोर्शन है वो फाइनली पैक हो चुके हैं। आफ्टर दोनों पोर्शन पैक करने के बाद ये वाले पोर्शन से लेके मैं फाइनल टेप, ये वाले पोर्शन पे मैंने टेप स्टिक की है, देन हल्के हाथों से इसको मैं धीरे धीरे प्रेस करके बैक साइड में भी पैक करूँगी। तो आप ये कोन की साइज देख सकते हो, मेरी फिंगर मेरी पाम के जितना ही है, मैं मेरी पाम से बड़ा कोन नहीं है। तो ये कंफर्टेबल है, आप बड़े बड़े कोन यूज़ करोगे तो उसका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आने वाला है, जो ज़्यादा थिक मटेरियल रहता है वो यहाँ पे रहेगा। सो मेरा मानना ये है कि हथेली से बड़ा कोन नहीं होना चाहिए, तो मैं तो इतना स्मॉल कोन ही यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है ये। तो आप इस तरीके से कोन फील करोगे तो कोन फूटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कोन ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। आप देख सकते हो कि बहुत कम मेहंदी यहाँ पे निकली है। अब मैं इसकी लाइन बना के देख सकती हूँ कि ये फाइन लाइन आ रही है। सो आज हीना पेस्ट एंड हीना कोन बनाना हमने सीखा है, और आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं लेके आई हूँ, रेडीमेड कोन और सेल्फ मेड कोन में क्या डिफरेंस है वो आप खुद देख सकते हो। ये मेरा सेल्फ मेड कोन है, देन यहाँ पे है मेरा रेडीमेड कोन लाइक चंदन हीना, आई डोंट नो वॉट एवर। तो आप कंपेयर करो इस कोन को इस कोन के साथ, इस कोन में जितनी मेहंदी है उससे मेरे दो से तीन कोन तो अब आराम से बन ही जाएंगे। सो आप अगर रेडीमेड कोन यूज़ करते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत अच्छी मेहंदी बनानी है, बहुत अच्छा काम करना है, तो आप प्लीज़ रेडीमेड कोन को इग्नोर करो। अभी मैं दोनों से आपको वर्क करके बताती हूँ क्या डिफरेंस है इसमें। ये मेरे सेल्फ मेड कोन की फाइन लाइन, देन आई एम यूजिंग स्मॉल स्कैलप, स्केलअप बनाने का राइट वे पेपर पे कभी भी कोन को आपको टच नहीं करना है। मैं हमेशा स्केलअप ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत पेशेंसली, बहुत आराम से। तो ये स्केलअप है मेरे सेल्फ मेड कोन के, देन हम यूज करेंगे रेडीमेड कोन। सबसे पहले तो इसमें मेहंदी नहीं निकल रही है, पता नहीं कुछ ऐसी काली काली मेहंदी निकलती है। सो आप देख ही सकते हो, एक तो मेरी लाइन सेल्फ मेड कौन सी, मेरी लाइन बहुत ही बारीक आई है और आप ये लाइन देख सकते हो। मैं अगर सिंगल बॉर्डर भी यूज़ करती हूँ, सिंगल लाइन भी यूज़ करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा थिक है। देन अब मैं स्केलअप बनाऊँगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो स्केलअप निकल नहीं रहा है और बन भी नहीं रहा है मुझसे, तो इतना बड़ा बड़ा और इतना मोटा मोटा बनेगा ये, और आधे से ज़्यादा मेहंदी छूट जा रही है।
मैं कितना भी लाइटली अगर उसको बनाने की कोशिश करती हूँ या मैं पूरे कोन को हैंडल करके पूरे कोन को अच्छे से कंट्रोल करके भी बनाऊंगी, तो भी देखो बड़ा ही बन रहा है। तो जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से देख लो, आप लोगों की यही प्रॉब्लम है कि आप सेल्फ मेड कोन नहीं यूज़ करते हो इस वजह से। और कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हम इसको आगे से कट करके फिर ऐसे कोन बना के इसके अंदर पेस्ट भर दे, तो ये भी नहीं चलने वाला है। बिकॉज रेडीमेड कोन में जो पेस्ट होता है एक तो केमिकल वाला रहता है, देन इसके अंदर जो पाउडर यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा रफ पाउडर होता है। तो रफ़ पाउडर अगर आप बारीक निब के कोन में यूज़ करते हो तो मेहंदी निकलने वाली ही नहीं है। आप ट्राई कर लो ऐसा है, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम आपने राइट बताया था। अब मैं इसके ऊपर बड़े स्केलप बनाती हूँ। आधे से ज़्यादा मेहंदी सब जगह पे छूट रही है, अच्छे से बन भी नहीं रही है। देन लाइन देखो सारी ब्रेक हो रही है। यही मैं सेल्फ मेड कोन से बनाती हूँ, तो देखो एकदम परफेक्टली चल रहा है, ये बहुत अच्छे से चल रहा है। देन मेरी जो फाइन लाइन, जो मेहंदी का फ्लो होना चाहिए वो आप देख सकते हो। कितना भी मैं ऊपर से कितनी भी बड़ी अगर मैं लाइन क्रिएट करूं, नेवर ब्रेक आउट। देन अगर इससे करने जाती हूँ तो ये तो देखो ऐसे ऐसे ब्रेक हो रही है। तो जिन लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है मे बी उनका ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुका होगा। अगर आपके पास पाउडर है अच्छी क्वालिटी का, नहीं है तो आप प्लीज़ आजू बाजू में नियर बाई जो भी शॉप है आप वहाँ से बाय करो। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे हेल्प के लिए हूँ, आप मुझसे भी बाय कर सकते हो, मेरा बेस्ट क्वालिटी का ही रहेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हमने हीना पेस्ट बनाना सीखा, हीना कोन बनाना सीखा। बिकॉज मैं कोई भी टॉपिक ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मुझे कमेंट में बाद में कमेंट करके लोग बोलते हैं कि मैम आपकी मेहंदी तो अच्छी बनती है क्योंकि आपका कोन बहुत अच्छा है, आपका पाउडर बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। तो मैंने फर्स्ट डे ही ये चीज़ क्लियर कर ली है कि रेडीमेड कोन अगर आप यूज़ करते हो तो ये प्रॉब्लम आएगी, सेल्फ मेड कोन यूज़ करते हो तो फाइन लाइन और फाइन डिज़ाइन बनेगी अच्छे से। तो मैं कल से सारे टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। कल के जो टॉपिक रहेंगे वो आपको कल लाइव वीडियो में ही पता चलने वाले हैं। सो अभी का आज ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है तो हम लोग कल मिलेंगे। और जिसकी जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और नहीं अगर मैं रिप्लाई करती हूँ तो आप सबसे बेस्ट है कि मुझे कॉल कर लो, मैं कॉल तो रिसीव करूँगी। मैं जिनका जो भी कमेंट है जो भी क्वेश्चन है आप एक बार पूछ सकते हो, मैं 5 मिनट्स अवेलेबल हूँ यहाँ पर। जिनको बोरिंग लगा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने दो। बिकॉज कुछ लोग तो होने चाहिए ना नेगेटिव कमेंट करने के लिए। आज का वीडियो, आज का फर्स्ट डे का जो वीडियो है वो मैं IGTV पे अपलोड करूँगी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड डे से जो भी मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ, नेक्स्ट डे से जो भी टॉपिक रहेंगे, सो प्लीज़ मैं अभी से बोल देती हूँ कि जिनको मेरा सेशन अटेंड करना है, जिनको मुझसे सीखना है, प्लीज़ आपको लाइव आना पड़ेगा, आपको अटेंड करना होगा। और IGTV वीडियो पे मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने वाली हूँ। और एक ही चीज़ है कि यहाँ पे मैं
आपको बार बार वही चीज़ बोलूँगी कि मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं लाइव बताऊँ और आप आओ और देखो मैम वाओ बहुत अच्छा बनाया मैम वाओ ये वो, ये सब सुनने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आई हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझसे कुछ ना कुछ सीखो। 15 डेज में आप 100% ट्राई करो, बट 100% ना सही, आप 20% तो मुझसे कुछ ना कुछ सीख के जाओ, मेरा मानना ऐसा है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करो और 15 डेज का मैंने जो भी आपको टास्क दिया है, आप जो भी चीज़ मुझसे सीखते हो, मुझसे इंस्पायर होते हो, प्लीज़ आप मुझे स्टोरी में मेंशन ज़रूर करो, तो उसके लिए मैं सर्टिफिकेशन एंड मैं हिना किट प्रोवाइड कर सकूँगी कि किसने 15 दिन तक बहुत अच्छे से फॉलो किया है और किसने मुझसे कुछ सीखा है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से सीखो और डेली आप मुझे फॉलो करो। सो हम लोग कल मिलेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने डिसाइड की है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं ट्राई करूँगी कि बोरिंग फील ना हो, बट अब जिनको लगता है उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। सो बस यही है कि आप देखो और सीखो और हार्डवर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि आप आए और देख के चले गए और आपने कुछ किया नहीं, तो मेरे पास तो कोई जादू नहीं है कि आप सीख जाओगे। तो बस आपको ट्राई करना पड़ेगा और मैंने इतना टाइम निकाला है आप लोगों के लिए, फ्री सेशन रखा है, तो